Morning everyone. Welcome to the fourth lecture of Principles of Management. In the previous lecture, we discussed about the organizing principle. Usko humne half discuss kar liya tha. We stopped at what the types of organization, that is the formal and informal. Yahan pe we are continuing with the formal type of organization. Usme hi we have one kind, jisko hum bolte hain line organization, right? So according to this type of organization, the authority flows from top to bottom in a activity or a department. तो line of command is carried out from top to bottom, जो हमने पहले बोला. यहाँ पर क्या होता है कि it's a scalar kind of organization, जहाँ पर it's the activity or the functions of a particular person who is working in a particular group or activity is defined. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि command आपकी follow होती है ऊपर से नीचे तक, top to bottom, और यहाँ पर every function is already defined प्रायरली. तो फीचर्स क्या हैं, जैसे हमने पहले बोला था कि जो आपका अथॉरिटी का फ्लो है, दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. स्पेशलाइज्ड एंड सपोर्टिव सर्विसेज डू नॉट टेक प्लेस, ऑलवेज रिमेंबर, स्पेशलाइज्ड एंड सपोर्टिव सर्विसेज डू नॉट टेक प्लेस इन दीज ऑर्गेनाइजेशन. कहने का मतलब ये है, जो आपकी बेसिक, सपोज बेसिक एक लाइन है, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे लेके चलो कि कहीं पर एक प्रोडक्ट बनाने हैं और एक पर्टिकुलर लाइन इन्वॉल्व है उस प्रोडक्ट को बनाने में. ऐसा मान के चलो कि एक बाइक बननी है, वहाँ पे असेंबली लाइन होती है जहाँ पे बाइक को असेंबल करते हैं. तो बाइक के कुछ कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, राइट, जैसे फ्यूल टैंक है, गेज हो गया, चेसिस हो गया. तो वो लोग, वो जो मेन मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ अ स्पेशल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो जिनके बिना बाइक नहीं बन सकती. फिर कुछ होते हैं एडिड फीचर्स, राइट, जो सपोर्टेड फीचर्स होते हैं, जो स्पेशलाइज फीचर्स होते हैं, जहाँ पे कहीं पर सपोज कहीं पर आपने साइलेंसर अलग तरीके से लगवाना है, जो बाइक में ऑलरेडी फिटेड होता है, बट दैट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन, वो कोई लगवाता कोई नहीं लगवाता. किसी की कोई कस्टमाइज्ड बाइक होती है. तो जो नॉर्मल एक काम जो चल रहा है वो होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का काम. जो स्पेशलाइज इन सपोर्टिव सर्विस दी जाती हैं वो होता है स्टाफ. अब इसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में. लाइन में क्या होता है कि यूनिफाइड कंट्रोल बाय द लाइन ऑफिसर्स कैन बी मेंटेन्ड सिंस दे कैन इंडिपेंडेंटली टेक डिसीजंस इन द एरियाज एंड स्फेयर्स. क्योंकि यहाँ पे जो काम में इन्वॉल्व है वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने में सक्षम है, कैपेबल है, तो इसलिए यहाँ पे किसी और की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती. ओके, दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज हेल्प्स इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन एंड ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी टू अ डिपार्टमेंट और इन एक्टिविटी. कमिंग टू मेरिट्स, हमने फीचर्स देखे, अब मेरिट्स देख लेते हैं. अब इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यू कैन रीड दिस ऑन द स्क्रीन एज वेल. कि पहला है यूनिटी ऑफ कमांड, जो हमने पहले डिस्कस किया कि टॉप टू फ्लो आपका बॉटम फ्लो करता है, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से आपकी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो पाती है सबॉर्डिनेट और सुपीरियर्स में. देन वी आर, अब क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रही है तो इट्स ऑब्वियस कि बेटर डिसिप्लिन फॉलो होगा, वहाँ पर डिसिप्लिन तरीके से काम होगा. और जब डिसिप्लिन तरीके से काम क्यों होगा, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी फिक्स्ड है. हर किसी इंसान को पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, उसकी पावर फिक्स है, उसे क्या काम करना है और किससे रिपोर्ट करना है, किस तरीके से काम करना है, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, उसको सब कुछ पता है, राइट. फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे क्या है कि इट्स अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टॉप मोस्ट अथॉरिटी एंड बॉटम लाइन अथॉरिटी, राइट. सिंस द अथॉरिटी रिलेशनशिप्स आर वेरी क्लियर, लाइन ऑफिशियल्स आर इंडिपेंडेंट एंड कैन फ्लेक्सिबिलिटी टेक देयर डिसीजंस, राइट. क्योंकि यहाँ पे इट्स ऑलरेडी डिफाइंड कि लाइन मैनेजर्स या फिर लाइन स्टाफ को क्या काम करना है, तो उनको बार बार किसी अपने अथॉरिटी या सी सुपीरियर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है. या दे आर फ्लेक्सिबल इनफ टू डिसाइड ऑन देयर ओन कि क्या करना है उन्हें अब अपने प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस में. प्रॉम्प्ट डिसीजन, अब डिसीजन तो प्रॉम्प्ट हो गई बिकॉज आपकी यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो डिफाइंड है. तो जो ऑफिशियल्स होते हैं दे कैन टेक डिसीजंस प्रॉपरली. ओके, डीमेरिट्स क्या हैं, अब मेरिट्स है तो डीमेरिट्स पे ऑब्वियसली होंगे. ओवर रिलायंस का मतलब है कि क्योंकि आप लाइन ऑफिशियल्स पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो कि उन पे आपने हर चीज़ की अथॉरिटी दे रखी है, तो उनको क्या होगा कि दैट इट क्रिएट्स अ प्रेशराइज्ड सिचुएशन कि आपको बताना है कि कहाँ पे डिसीजन क्या है, एग्जीक्यूटिव का डिसीजन क्या है. वहाँ पे आप अपना काम के साथ साथ ये डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है. तो इसलिए ओवर रिलायंस हो जाती है, उन पे ओवर डिपेंडेंट हो जाती है कंपनी, ठीक है. अब प्रॉब्लम इज कि स्पेशलाइजेशन का लैक भी है, ठीक है, क्योंकि आप लाइन में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो तो आपको अपने काम तो प्रॉपर तरीके से पता है, बट यू ऑल्सो नीड एक्सपर्ट एडवाइसेस व्हेन यू हैव टू वर्क फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसके साथ कुछ और भी अटैच होता है. कई कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें नहीं आपको ऐड करनी पड़ती हैं या कुछ चीज़ें रिमूव करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पर यू नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस जो यहाँ पर लाइन अथॉरिटी में नहीं होता. ओके, देन
वी हैव इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन. क्यों आपको लग रहा हो कि ये चीज़ें डाइकोटमस हो रही हैं? क्यों वो होती हैं? इसलिए बिकॉज यहाँ पे आप कोई चीज़ को आप बता रहे हो कि वो उसका मेरिट है, वही चीज़ उसका डीमेरिट भी हो जाएगा. अब आगे आपको पता चलेगा क्यों. ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड अथॉरिटी लीडरशिप. यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन कि क्या लिखा हुआ है. कमिंग टू लाइन इन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे देखो आप, लाइन इन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज वॉट, कुछ सालों में दिस हैज़ गेन्ड अ पर्टिकुलर प्रोमिनेंस. ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का, स्टाफ इज ऑल्सो इंक्लूडेड. स्टाफ का मतलब है एक्सपर्ट्स. यहाँ पे स्टाफ का मतलब वो नहीं है कि आपने किसी एम्प्लॉय को लगा दिया, लाइन में जो है वो भी एम्प्लॉई हैं, बट यहाँ पे स्टाफ का का मतलब है कि वो स्पेशलाइज्ड है सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ में. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि लाइन ऑफ अथॉरिटी आपकी डिफाइंड है, तो जो पावर ऑफ कमांड है इट्स ऑलवेज रिमेन्स, जो अभी तक जो था लाइन में जो होता है कि जो पावर ऑफ कमांड है इट स्टिल रिमेन्स विद द लाइन एग्जीक्यूटिव्स. एंड स्टाफ सुपरवाइजर्स गाइड करने का काम करते हैं, एडवाइस करने का काम करते हैं और काउंसिल करने का काम करते हैं लाइन एग्जीक्यूटिव्स को, जो ऑलरेडी अपनी लाइन पे प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे थे. ओके, अब तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये बस जस्ट टू गिव एन आइडिया कि क्या क्या तरीके के स्टाफ होते हैं. जैसे स्टाफ असिस्टेंट हो गए जो आपके पीए होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट वो मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी होते हैं जो मार्केटिंग मैनेजर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है. फिर स्टाफ सुपरवाइजर्स होते हैं जो ऑपरेशंस को देखते हैं, कंट्रोल मैनेजर्स होते हैं. तो ऐसे ही ये यहाँ पे बस जस्ट टू गिव एन आइडिया कि किसके अलग अलग तरीके से स्टाफ यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. ठीक है, अब मेरिट्स ऑफ लाइन इन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. पहला कि रिलीफ मिलती है आपकी, जो लाइन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स में काम कर रहा है पहले से उनको रिलीफ मिलती है. क्यों? वो अपना काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, टेक्निकल काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो हमने कहा था कि ओवर रिलायंस हो जाता है ना उन पे, ओवर बर्डन हो जाता है, आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर लेते हो. तो यहाँ पे क्या होगा कि आप, क्योंकि आपके पास स्टाफ भी इन्वॉल्व है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो एडवाइस एंड काउंसलिंग का जो अब जो जिम्मा होता है वो उन पे शिफ्ट हो जाता है. ओके, देन वी हैव, अब ऑब्वियसली जब शिफ्ट हो जाएगा तो हमने क्या बोला था, एक्सपर्ट एडवाइस. The line and staff organization facilitates expert advice to the line executives at the time of the need. हमेशा advice नहीं करेंगे, जब जरूरत होगी तब वो advice करेंगे. The planning and investigation which is related to the different matters can be done by the staff specialist. Always remember, the staff जिसको appoint करोगे, he has to be a specialist. Okay? Benefit of specialization, obviously, उस नाम पे ही है, अगर वो specialized है तो वो benefit तो करेगा, right? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको स्पेशलाइज चीज़ें चाहिए होती हैं या स्पेशलाइज कंसर्न्स या एडवाइसेस चाहिए होते हैं. क्यों? अब क्योंकि लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग काम करते हैं. जो आपका मेंटेन, जो आपका प्रॉपर डायरेक्ट मेन लाइन में काम करें, दैट इज़ अ लाइन स्टाफ. स्टाफ इज़ टू सपोर्ट देम. तो वहाँ पे बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए हर ऑफिशियल का उस दोनों चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट करना अपने 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 एरियाज में, वो इंपॉर्टेंट होता है. बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहले भी हमने देख लिया. अब क्या होगा कि जो आपका काम करें, देखो जैसे लिखा है यहाँ पे कि थ्रू द एडवाइस ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टाफ द लाइन एग्जीक्यूटिव्स गेट टाइम टू एग्जीक्यूट प्लान्स बाय टेकिंग प्रोडक्टिव डिसीजंस विच आर हेल्पफुल फॉर अ कंसर्न. दिस गिव्स अ वाइड स्कोप टू द लाइन एग्जीक्यूटिव टू ब्रिंग इनोवेशंस एंड गो फॉर रिसर्च वर्क इन दोज एरियाज. दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टाफ स्पेशलिस्ट. लाइन ऑर्गेनाइजेशन को हमने बोला कि उनके लिए एक एड का काम करेगा, एक हेल्प का काम करेगा स्टाफ. अब जब उनके पास अपने काम के अलावा दूसरे और वो काम इन्वॉल्व होंगे, पहले जैसे होते थे स्टाफ के जब नहीं था उनके एब्सेंस में, तब वो सिर्फ दोनों चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे. अभी क्योंकि नाउ दे हैव स्टाफ स्पेशलिस्ट टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स, तो अब वो क्या है कि दे कैन वर्क ऑन देयर रिसर्च, दे कैन वर्क ऑन इनोवेशंस इन अ कंपनी, राइट. अब द सेकेंड पॉइंट इज ट्रेनिंग. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टाफ स्पेशलिस्ट एंड देयर एक्सपर्ट एडवाइस, जो एक ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग का जो एक माहौल होता है या एक व्हाट वी कॉल दैट एनवायरनमेंट अगर बन जाए, तो जो लाइन ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है. ओके, जो उनके लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. ठीक है, देन वी हैव बैलेंस डिसीजंस. ऑब्वियसली बैलेंस डिसीजंस क्यों होंगे, क्योंकि आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से आप काम कर रहे हो, तो रिलेशनशिप जो होगा ना वो ऑटोमेटिकली विल एंड अप इन द लाइन ऑफिशियल टू मेक बेटर एंड बैलेंस्ड डिसीजंस, क्योंकि उनको अपने काम पे ध्यान देने से मतलब है. आज क्योंकि लाइन स्टाफ आपका इन्वॉल्व हो गया है, तो वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे और बाकी काम स्टाफ ध्यान देगा. यूनिटी ऑफ एक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ यूनिफाइड कंट्रोल एंड इट्स इफेक्टिविटी
takes place when coordination is present in the concern, in the line and staff authority, all the officials have got independence to make decisions. ठीक है, this serves as effective control in the whole enterprise. जो हमने पहले बात की थी, आप इसके भी demerits होंगे, obvious. ठीक है, हर चीज़ के जिसके merits होते हैं, तो कहते हैं ना, side, every coin has two sides. तो यहाँ पे है कि merit हैं तो demerits भी होंगे. पहला, lack of understanding. How? In a line and staff organization, there are two authorities flowing at one time. Okay? क्यों? क्योंकि एक स्टाफ लाइन में जो ऑलरेडी स्पेशलिस्ट काम कर रहा है और एक स्टाफ स्पेशलिस्ट भी आ गया. अब यहाँ पे क्या हो, कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टॉक्स हो जाती है कि अथॉरिटी किसके चले, राइट? कोई अब बोलेगा नहीं ये आप ये सुनो, फिर लाइन में जो है वो बोलेगा ना आप इसके सुनो. इसके इससे क्या होता है कि द वर्कर्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर प्रॉपरली, या कमांडिंग अथॉरिटी की प्रॉपर तरीके से बात समझ नहीं आती है. तो इससे हर्डल्स क्रिएट हो जाते हैं इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की को रन करने में. ठीक है, ये डिमेरिट्स का पार्ट है. वही जो हमने बात की कि लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं क्योंकि कई बार सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं किसी के, किसी ने कुछ बोल दिया किसी से. इट कैन ऑल्सो पोज एज अ डिस्ट्रेस ऑन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज जो काम कर रहा है वहाँ पे. ठीक है, तो कई बार उस सिचुएशन हैम्पर हो जाती है किसी के जो काम कर रहा था पहले से और कोई आके अगर बताते कि आपको ऐसे काम करना है, तो वहाँ पे कई कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन हैम्पर हो जाती हैं. इट इज़ कॉस्टली. ठीक है, अभी तक आप सिर्फ अपना लाइन स्टाफ से काम करा रहे थे, अब आपने स्टाफ को भी इंक्लूड कर दिया तो उनको ज़्यादा रिम्यूनरेशन पे करना पड़ेगा क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है, तो थोड़ा और ज़्यादा पे करना पड़ेगा. तो दिस प्रूव समटाइम्स टू बी कॉस्टली फॉर अ कंपनी जिसको अपने बजट कंस्ट्रेंट्स पे काम करना होता है. एंड लास्ट पॉइंट इज स्टाफ स्टील्स द शो. इन अ लाइन एंड स्टाफ कंसर्न High returns are considered to be a product of staff advice and counseling. कई बार ऐसा होता है कि आप, क्योंकि स्टाफ आपने एज ए स्पेशलिस्ट वहाँ पर अपॉइंट किया गया है, तो कोई चीज़ की जो आप बोलो कि बढ़ाई होती है या किसी चीज़ की जब प्रमोशन होती है या किसी इसको आप बोलते हो कि बहुत अच्छा काम कर दिया, तो वहाँ पर लाइन स्टाफ को इग्नोर करके स्टाफ को जो होती है वो शाबाशी मिल जाती है. इससे क्या होता है, इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस अमंग द लाइन स्टाफ. ठीक है, दोनों में ही आता है बिकॉज डिस्ट्रेस्ड है तो दोनों ही पार्टी सफर करेंगे उससे. एंड इससे द सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइन ऑफिशियल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव रिजल्ट्स, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द प्रोडक्ट. स्टाफ तो उनकी हेल्प के लिए था, बट यहाँ पे व्हाट हैपेंस इज स्टाफ समटाइम्स स्टील द शो. ओके, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे जैसे हमने ऑर्गेनाइजिंग हमने इस पर डिस्कस किया, कुछ प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए. तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पर हमने डिस्कशन किया. So, I leave you guys here only. In the next lecture, we'll discuss the directing, controlling part. Okay? Thank you so much.